नव भारत एकता दल ने जिला कांगड़ा मुख्यालय धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित बिल में विधायकों के वेतन भत्ते और अन्य वित्तीय सुविधाओं में की गई वृद्धि के खिलाफ रैली निकाली। रैली के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एडीसी सुदेश कुमार को एक मांग पत्र सौंपा। नव भारत एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद विश्वकर्मा ने कहा कि वित्तीय संकट से गुजर रहे हिमाचल प्रदेश को वित्तीय संयम की जरूरत है, लेकिन विधायकों ने अपने लिए वित्तीय सुविधाएं और जोड़कर प्रदेश की जनता पर बोझ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि विधायकों ने जो अपनी सुविधाएं बढ़ाई है उन्हें तुरंत प्रभाव से रोल बैक किया जाए। उन्होंने बताया कि विधायकों और सांसदों को ब्याज मुफ्त ऋण की व्यवस्था खत्म कर गरीब परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु ब्याज मुफ्त ऋण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों की शुगर मिलों को दिए गए 6,600 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज पर 10-12% ब्याज लिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे समाचार आ रहे हैं कि कॉरपोरेट घरानों में लंबित लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का ऋण है, जिसे वसूला जाए और गरीबी दूर करने के लिए लगाया जाए। यहाँ हिमाचल प्रदेश के विधायकों ने जो अपने वेतन वृद्धि में बेतहाशा वृद्धि की है, उसके रोष में, उसके विरोध में हमने ये रोष मार्च किया है और हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है डीसी के माध्यम से कि सरकार को परामर्श दिया जाए कि इतनी बेतहाशा वृद्धि जो है उसको वो वापस लें और जो बिना ब्याज के उन्होंने अपने लिए कर्ज की जो सुविधा जुटाई है उसे खत्म करके वो गरीब बच्चे जो हैं, जो 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया उच्च शिक्षा के लिए लेते हैं, उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए, बल्कि विधायक अपने लिए ब्याज मुक्त ऋण या थोड़े इंटरेस्ट की ऋण की सुविधा ना करें। वो जन सेवक है, ना कि वो मेवा खाने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन का सपना देखा है और उस पर 66,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। उस ट्रेन में कोई गरीब सफ़र नहीं करेगा, जबकि पठानकोट कांगड़ा मंडी लेह रेल लाइन को ब्रॉडगेज करने का सपना अभी भी सपना ही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सुरक्षा के लिहाज से पठानकोट से लेह रेल लाइन को प्राथमिकता दे रही है ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। इसी के साथ मेरी मोदी सरकार से भी मांग है कि जो पठानकोट से लेके ले तक की जो रेलवे ट्रैक है उसको ब्रॉडगेज करें, चाइना के बॉर्डर तक उसको ले जाएं। वहाँ चाइना ने अपने सारे मार्ग जो है वो वहाँ तक पहुँचा दिए हैं बॉर्डर पर, वो हमसे काफ़ी आगे निकल गया है। मोदी सरकार ढीली डाली ना रहे, इसलिए इस लाइन को प्रायोरिटी पर, जिस पर 28,000 करोड़ रुपये का खर्च है उसको प्रायोरिटी पर ले। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और जहाँ मोदी सरकार वो मुंबई से अहमदाबाद तक जो कॉरपोरेट ग्रहणों के लिए बुलेट ट्रेन का सपना देख रही है उसमें कोई गरीब सफर करने वाला नहीं है, उसमें 60,000 करोड़ रुपया खर्च होने का प्रावधान है। मोदी सरकार उसको प्रायोरिटी दे रही है और हमारी नव भारत एकता दल की मांग ये है कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा से जुड़े हुए ट्रैक जो पठानकोट से ले तक ब्रॉडगेज का है उसको प्रायोरिटी दे। कॉरपोरेट घरानों के लिए चल रही है, जो 30 लाख करोड़ रुपया अमीर घरानों को दिया है उसको वसूला जाए, जो 6,600 करोड़ रुपया चीनी मिलों को बिना इंटरेस्ट दिया उस पर इंटरेस्ट लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।